हेलो, आप सब आ चुके हैं मेरी चैनल मुआ अर्पिता दास में। आप सबका तहे दिल से स्वागत है मेरी चैनल मुआ अर्पिता दास में। और जैसे कि मैं लास्ट टाइम आई थी एक वीडियो धमाकेदार दिवाली वीडियो के साथ, आई होप आप सबको पसंद आया। कुछ रिव्यूज़ मुझे मिले लेकिन अच्छा लगा, कोई बात नहीं। मैं अभी इस वीडियो में आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेप्स बताने वाली हूँ, जैसे हाउ टू चूज राइट शेड ऑफ फाउंडेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी गर्ल्स लोगों को, लेडीज़ को पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से फाउंडेशन चूज़ करें कि उनके शेड्स उनके कॉम्प्लेक्शन के साथ जाए। हम काफ़ी वक्त क्या करते हैं कि गलत शेड, कुछ ज़्यादा ब्राइट कलर लाइट कलर्स चूज़ कर लेते हैं कि हम थोड़ा गोरे दिखने के चक्कर में। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि आप वो गलती दोबारा ना करें। आपने किया होगा लेकिन आप भूल जाइए, क्योंकि आपको जो मैं तरीका बताऊँगी वो एकदम परफेक्ट तरीका है फाउंडेशन चूज़ करने का। जैसे हम लोग शॉप में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं किसी भी, तो वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो भी काफ़ी गलत तरीके से हमको डील करती है, उन्हें खुद भी नहीं पता। जैसे मैं देखती हूँ काफ़ी वक्त ये हम फाउंडेशन हमेशा अपने फेस पे यूज़ करते हैं, तो फिर क्यों यहाँ पे चेक करना? फाउंडेशन हमेशा अपने चीक्स पे चेक करना चाहिए, चीक्स ना कि यहाँ, बजाय यहाँ के। यहाँ का स्किन और यहाँ का स्किन का कलर में काफ़ी लोगों के डिफरेंस होते हैं, इवन कि यहाँ के स्किन और यहाँ के स्किन के कलर में भी काफ़ी लोगों के डिफरेंस होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप फाउंडेशन खरीदने जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फेस पे कोई मेकअप ना करके जाए, मॉइस्चराइज कीजिए। फाउंडेशन बिल्कुल मत लगाइए। आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं, तो आप जब भी आप जाएंगे आप देखेंगे आपको स्टाफ, वहाँ के जो सेल्स स्टाफ होते हैं वो आपको यहाँ पे रिस्ट पे पाम पे यहीं पे लगा के आपको चेक कराते हैं कि आप मैडम आप कौन सा कलर यूज़ करेंगे, लेना चाहिए। देखिए कब आप वो दोबारा गलती ना कीजिए, आप हमेशा इस तरीके से यूज़ कीजिएगा ये, क्योंकि हम फेस में लगाएंगे। ये देखिए ये कुछ ज़्यादा ब्राइट हो जा रहा है मेरे कलर पे, मेरे बेस पे। दूसरा कलर मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ, ये आपको दिखा देती हूँ कलर्स, उसके बाद मैं बताती हूँ कौन सा राइट है मेरे स्किन के हिसाब से। एक ये, ठीक है, और एक ये। देखिए मेरे स्किन के हिसाब से आपको कौन सा लगता है कि सही है। एक्चुअल अगर आप देखें तो ये वाला, ये और इसमें एक टाई है, ये दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो मेरे स्किन के लिए। और जैसे कि हम लोग फाउंडेशन यूज करते हैं तो हम लोग फर्स्ट क्या यूज करते हैं, बेस कलर, हमारा इस पूरे चेहरे का कलर। तो उसमें हम उसके हिसाब से अगर आप देखें ये या फिर ये, इन दोनों में से अगर आप कोई कलर चूज करते हैं मेरे बेस कलर मेरे फेस के लिए, तो वो परफेक्ट रहेगा। और जैसे प्रोफेशनल वे में अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो आपको हाइलाइटर कलर भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हाइलाइटर जोन है, मैंने आपको बताया था ये टी, ये आंखों के नीचे कुछ ये एरिया, तो इन सब के लिए अगर आप बोलोगे ये दिस वन, तो आपको दो फाउंडेशन लेना पड़ेगा उसके लिए। एक है बेस के लिए आपको ये कलर और ये, और अदरवाइज हाइलाइटर अगर आप यूज़ करोगे तो ये। और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ, काफ़ी लोग के पास मैं सुनती हूँ कि नहीं भाई हमें इतना हाइलाइटर वगैरह ये समझ नहीं आता, कैसे ये आप लोग यूज़ करते हो, हम तो भाई नॉर्मल मेकअप करना चाहेंगे, हाँ ऐसे हल्का डे में जो मेकअप करते हैं हमको वही पसंद है। तो उस क्षेत्र में आप लोग क्या करोगे, जो आप अगर हाइलाइटर ऑमिट करना चाहोगे तो मैं उनसे कहूँगी कि आप जब भी फाउंडेशन चूज़ करते हो तो आप अपना, जैसे ये शेड है मेरा ये या फिर ये, इससे एक ब्राइटर शेड जो कि ये है, ये मत लीजिएगा, ये ले लीजिएगा ये वाला शेड। तो क्या होगा, आपका कलर टोन जो है फेस का वो इवन हो जाएगा। थोड़ा लाइट कलर, एक शेड लाइट लीजिए अपने फेस के हिसाब से, क्योंकि आप हाइलाइटर कलर चूज नहीं करना चाहते, हाइलाइटर यूज नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। और जो लोग हाइलाइटर प्लस बेस प्रोफेशनल वे से तरीके से सजना चाहते हैं, वो लोग तो हाइलाइटर बेस दोनों कलर ही चूज कीजिए, दो कलर चूज कीजिए, और हमेशा इस चिक्स पे यूज़ कीजिए, कभी भी अपने रिस्ट पे या पाम पे कभी मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो राइट तरीका नहीं है आपका फाउंडेशन चूज़ करने का। हम फाउंडेशन अपने चेहरे पे यूज़ करते हैं ना, बजाय कि अपने हाथों में, हाथों के लिए, इवन आपके जांघों के लिए, पाँव के लिए अलग कलर है, हर किसी के बॉडी के कलर्स का पैटर्न अलग होता है, स्किन का कलर
पूरी पूरी तरीके से अलग होता है। किसी का फेस ज़्यादा गोरा होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है, किसी का बॉडी का कलर ज़्यादा ब्राइट होता है, किसी का बॉडी का कलर डल होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली ही कलर चूज़ करे जो उसका एक्चुअल कलर है। तो मेरे को लगता है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और अगर आपको इससे थोड़ा सहायता मिला हो और आप कुछ सीखे हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों में बांटिएगा, शेयर कीजिएगा। बांटने से प्यार बढ़ता है, कमता नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।